चैनल लोकेश कड़सकर ब्लॉग्स एंड शॉर्ट। तो आज की डेट है 12 फरवरी, 12 फरवरी यानी कि तुम्हारे भाई का बर्थडे। तो आज मेरा बर्थडे है। अच्छा, तो अभी मैं उठ चुका हूँ और मैंने नहा धो के मैं फ्रेश हो गया हूँ, और फ्रेश होने के बाद अभी जो है हम सुबह सुबह जाएंगे मंदिर में, क्योंकि बर्थडे के दिन ब्लेसिंग चाहिए हमको। तो ब्लेसिंग करते हैं और मंदिर में जाते हैं तो हमको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तो देखते हैं। वैसे भी मैं जाता ही हूँ हर गुरुवार को, हमारे नज़दीकी एक मंदिर है, हम वहाँ पे जाते हैं। और आज का ब्लॉग में जो कुछ भी होगा, जितना भी मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगा मैं आपको दिखाऊँगा। तो प्लीज़ जो भी नए हैं चैनल पे वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब और लाइक कर देना। तो आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं, और अभी बज चुके हैं सुबह के 10, हम 10:30 तक मंदिर तक पहुँच जाएंगे। तो चलो मिलते हैं मंदिर में। तो अभी जो है निकलने का टाइम हो चुका है और अपन जाएंगे अपने शाइन से। तो शाइन कैमरे में तो अच्छी दिख रही है, लेकिन वैसे ये काफ़ी गंदी है, तो इसको अभी साफ करते हैं। तो मैंने जो है अपनी गाड़ी को चमका लिया, अच्छे से पोछा मार लिया गाड़ी पे, और अभी बज चुके हैं शार्प 10। तो 10 बज चुके हैं, तो अपने को 15 मिनट जाने को लगेंगे। तो चलो चलते हैं और सीधा मंदिर में मिलते हैं। बता ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं गजानन धाम, जो कि रेवसा के यहाँ पे आता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ गजानन धाम के लिए जाने के लिए यहाँ पे रजनी मंगल कार्यालय के अंदर से जाना पड़ता है। तो देखते हैं, अंदर तो शायद प्रोग्राम शुरू है, देखते कितना रिकॉर्ड कर पाते या नहीं। तो यहाँ से सीधे सीधे जाना है आपको अंदर, तो फिर आपको गजानन धाम दिखेगा। तो अभी बज चुके हैं 10:15, तो हम 10:15 पे पहुँच गए, 15 मिनट पहले पहुँच गए। तो यहाँ पे शायद प्रोग्राम वगैरह शुरू है, तो देखते हैं हम कितना शूट कर पाते और कितना नहीं। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ का एनवायरमेंट आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। मैंने क्लिप्स में आपको दिखाया होगा, लेकिन मैं मंदिर के अंदर का शूट नहीं कर पाया, तो इसका बाहर का जो भी है आउटडोर में आपको सब कुछ दिखाऊंगा। तो ब्लॉग में बने रहिए यार, क्या बढ़िया व्यू है, क्या हवाएं चल रही है। कई आए लोग गजानन धाम, जैसे कि सब जगह पे लग चुका है। तो ये प्लेस काफ़ी ब्यूटीफुल है, इसके अराउंडिंग में बहुत सारे सराउंडिंग भी है, तो आप देख सकते कितना बढ़िया है। देख सकते कि जो लोग सुबह सुबह जो भी है मॉर्निंग वॉक के लिए भी आते हैं यहाँ पे, आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते यहाँ पे भी एक्सरसाइज करते बहुत से यहाँ पे जो है इक्विपमेंट दिख रहे होंगे, यहाँ पे सब लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं सुबह सुबह। और यहाँ का वेदर जो है काफ़ी अच्छा है। इधर भी साइड बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत सी है, तो यहाँ पे मंदिर भी है बच्चों के लिए खेलने के लिए, अपार्टमेंट भी है, तो काफ़ी कुछ अच्छा है, सब कुछ नया नया लग रहा है। बहुत दिनों के बाद आया हूँ मैं यहाँ पे, बहुत पहले भी आ चुका है, ये भी कुछ शायद नया ही लगा। यहाँ पे एक और मंदिर दिख रहा है, जो मंदिर जो है वो है हनुमान जी का, तो जय बजरंगबली, बहुत बढ़िया मंदिर है ये भी। तो आप इस प्लेस को एक बार
बहुत जल्दी से आप विजिट कर सकते हैं, अमरावती के बहुत ही बाहर है। और हम पिछली बार आए थे, हम आप यहाँ पे टिफिन वगैरह ला के खा भी सकते हैं इस प्लेस में। और उधर के जो लॉन में वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, यानी सिर्फ अपन फोटो सेशन वगैरह के लिए वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप प्रॉपर खाना वगैरह खा सकते। ऐसी कुछ है ये जगह, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है और काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है ये, तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर विजिट करें। यहाँ पे आके जो वेदर है बहुत ही अच्छा है, तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर यहाँ पे आके विजिट करिए, बहुत बढ़िया प्लेस है। तो कैसे लगा आप कुछ ज़रूर बताइए मेरे को कमेंट में, और आप भी जल्दी से आके यहाँ पे एक बार ज़रूर यहाँ पर ये करिए, विजिट करिए। क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे, तो मैंने भी एक दो शॉट खेल लिए, क्योंकि क्रिकेट जहाँ भी होता है अपन रुक नहीं सकते, अपन खेलते ही खेलते हैं। तो यहाँ पे मैं गजानन धाम से निकल गया था और भूख ज़्यादा लगी थी, तो मैंने नाश्ते कर लिया और नाश्ते में मंगाई थी मैंने समोसा कचौरी। हेलो गाइज, तो आप जैसा कि सबको पता है मैं सुबह मंदिर गया था, उसके बाद आने के बाद मैं सो गया, और उसके बाद में आज है मेरा बर्थडे, तो ड्रेस कोड तो चाहिए, तो ड्रेस कोड मैं बर्थडे के दिन ले रहा हूँ। देख सकते हो आप, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हम सबसे लास्ट मोमेंट पे काम करने वाले बंदे। तो आज जाते हैं, थोड़ा ड्रेस वगैरह लेके आते हैं। पहले मन कर रहा था लू ना लू, लेकिन मम्मी बोल रही ले ले, तो चलो ले लेते हैं अभी ड्रेस, और अभी जाते हैं मार्केट ड्रेस लेके आते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में।